हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर सुनीता सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर रांची विमेंस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स टुडे आई विल डिस्कस लीडरशिप इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप लीडरशिप इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस डायरेक्टिंग एंड लीडिंग मतलब ये ग्रुप ऑफ पर्सनस के बीच में अगर कोई एक व्यक्ति उन सारे ग्रुप ऑफ पर्सन को लीड करता है उनको डायरेक्शन देता है गाइडेंस करता है तो ये कहलाता है लीडरशिप ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है एक लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन और द एबिलिटी टू डू दिस इज नॉन अ लीडरशिप ये लीडरशिप है क्या कि सर्टेन पर्सन के ग्रुप होते हैं उन ग्रुप में से इंडिविजुअल ग्रुप में से किसी एक को नोमिनेटेड लीडर किया जाता है जो कि वो वो गाइडेंस करते हैं वो गाइडलाइन करते हैं वो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को के विजन को गेट कर सकते हैं इट इज या रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड हिज फॉलोअर्स हुए कॉमन पर्प द फॉलोअर्सैन माइनर विच इज डायरेक्टर और डिटरमाइंड लीडर बिल्कुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो विजन होते हैं जो टारगेट होता है गोल होता है उस एक ही गोल पर सारे ग्रुप ऑफ पर्सन का एक ही सोच होती है एक ही मकसद होता है एक ही एफोर्ट होता है की उस विजन को गेट कर सके यानी हम ये, नी सिंगल हम कह सकते हैं एज ए कह सकते हैं कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल है जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने ग्रुप ऑफ पर्सन है उनके, उनको इस तरह से प्रभावित करना अपने बिहेव से अपने आचरण से इस तरह से प्रभावित करना कि जो विजन है वो आसानी से अचीव कर सके यानी डिफिनेशन के तौर पर एक दो ऑथर के डिफिनेशन दिया जा सकता है ये तो ओन लैंग्वेज में हमने बता दिया और छोटे छोटे दो डिफिनेशन तीन डिफिनेशन आप दे सकते हो और उसको अपने लैंग्वेज में कि जिस ऑथर ने क्या कहा है लीडरशिप को किस तरह से उनको प्रेजेंट किया है उसको अपने भाषा में आपको लिखना है तो जब पूछेगा व्हाट डू मीन बाय लीडरशिप एक दो ऑथर को लिखना है और उसको फिर अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है पहले भी बता चुके हैं जिसे कह सकते हैं वॉड एंड वेटी इन्होंने क्या कहा है लीडरशिप को किस रूप में दर्शाया है अफोर्ड एंड वेटी ने लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलेंट्री विदाउट द यूज ऑफ पर्सन मतलब ये कहना है कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उनके बीच में जो लीडर का, काम करते हैं वो ग्रुप ऑफ पर्सन डिजायरेबल होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं वोलेंट्रियर होते हैं ये जबरदस्ती नहीं कि उनको फोर्स किया जाता है कि ये काम करना है और सारे काम जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं नेगेटिव काम के लिए अगर कोई एक लीडरशिप एक लीडर बनता है और ग्रुप ऑफ पर्सन को मोटिवेट करता है काम करने के लिए तो ये ये लीडरशिप नहीं कहा जाएगा है ना अकॉर्डिंग टू चेस्टम बर्नार्ड के अनुसार अकॉर्डिंग टू चिस्टम बर्नार्ड लीडरशिप रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स वेयर दे गाइड पीपल ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स